नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। झांसी जिले की मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम स्यावरी पृथ्वीपुर में स्थित हंसगिरी पर्वत मंदिर में पूजा पाठ करने वाले भगत जी का शव शुक्रवार की सुबह पहाड़ी पर मिला, जिसकी सूचना मंदिर में जाने वाले लोगों को हुई तो उन्होंने तत्काल मऊरानीपुर कोतवाली और मृतक के परिजनों और ग्राम प्रधान को दी। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार और कोतवाली प्रभारी सत्यपाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। शुक्रवार की सुबह झांसी मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सियावरी पृथ्वीपुर में स्थित हंसगिरी पर्वत पर रोज की तरह पूजा पाठ करने वाले मंदिर के भगत जी गोरीलाल उर्फ पप्पू पुत्र ब्रजलाल पाल उम्र 48 वर्ष निवासी पृथ्वीपुर विगत दिवस पहाड़ी पर स्थित मंदिर पर पहुंचे और शुक्रवार की सुबह उसका शव बुरी तरह से कुचला और जला हुआ मिला, जिसकी सूचना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा और मौका मुआयना किया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि विगत कुछ दिन पूर्व हंसगिरी पर्वत पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा मंदिर की देव प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया था, जिसका मामला मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस में दर्ज भी कराया गया था। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इस हत्यारे के तार कहीं न कहीं पूर्व में घटित हुई घटना से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते आरोपियों द्वारा भगत जी की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं कोतवाली प्रभारी सत्यपाल ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले लोग जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होंगे। सर, आज सियावरी में घटना हुई है, जहां पे युवक की हत्या हुई, क्या है सर मामला? ये मऊरानीपुर में गिरी पर्वत है, गांव सियावरी पृथ्वीपुर, यहाँ सिद्ध बाबा का मंदिर है, जहाँ आज सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर पुलिस गई थी। शव को कब्जे में लेके उसका पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में आगे छानबीन चल रही है और संपूर्ण रूप से छानबीन करके इस पूरी घटना को ये किस प्रकार हुई, किस तरह से की गई, हम लोग खुलासा करेंगे। सर, क्या ये घटना उससे भी जुड़ी हो सकती है कि कुछ दिन पूर्व मंदिर में प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया था? अभी संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की। नहीं सर, प्राथमिक दृष्टि से क्या लग रहा है? प्राथमिक दृष्टि से तो देखिए, बॉडी का जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक की मृत्यु के कारणों का संपूर्ण रूप से पता नहीं चलेगा। इस संबंध में एक ये बात भी पता चली है कि कल पीआरवी को यानी डायल 112 को एक सूचना आई थी, जिसमें कि इनके फ़ोन से सर्प द्वारा काटने की घटना आई थी, जिस पर पीआरवी मौके पर गई थी और उनके द्वारा बताया गया है कि जब कॉलर को कॉल किया तो कॉलर का फ़ोन नहीं उठा, जिससे कि पुष्टि नहीं हो पाई थी। इस संबंध में भी हम लोग संपूर्ण रूप से छानबीन करेंगे, गहनता से जानकारी करेंगे कि घटना किन कारणों से हुई है और उसका क्या वजह है।